वासियों की सहभागिता बस सहयोग से 22 करोड़ रोपित करने का लक्ष्य है। गंगा ग्रामों के समग्र विकास हेतु गंगा हरितमा अभियान चलाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, हमारा सरकार द्वारा प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों की स्थापना उद्देश्य से प्रदेश में IT पार्कों की स्थापना किए जाने से 150 करोड़ रुपये के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार की संभावना है। 100% ई टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया गया है। 206 शासकीय सेवाओं के संबंध में जनसेवा लोकवाणी केंद्र तथा ई सुविधा के माध्यम से अब तक 15,50,00,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इन्वेस्टर समिट में इलेक्ट्रॉनिक तथा IT क्षेत्र के निवेशकों द्वारा 55,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश को AMU हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिससे लगभग 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा, जनसामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को नियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 को लागू किया गया है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय तथा अशासकीय लगभग 2,65,000 विद्यालय संचालित हैं। शैक्षिक सत्र 18-19 में लगभग 9,43,00,000 पाठ्यपुस्तकें तथा 2,34,00,000 कार्य पुस्तकों का वितरण किया गया है। प्रदेश सरकार ने 2019-20 में बच्चों के चिन्हीकरण पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए संचालित किया है। शैक्षिक सत्र 2018-19 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 41,556 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 10,768 एवं प्रवक्ता के 3,794 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है तथा अतिशीघ्र विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता उपलब्ध होंगे। शिक्षक या शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की कुल 4,100 पदों पर सृजन करते हुए 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ नवीन शैक्षिक सत्र से प्रदेश में 149 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछले अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में 37 राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की कुल 851 पद सृजित करते हुए नवीन शैक्षिक सत्र में विद्यालय संचालित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर 1,566 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं तथा निकट भविष्य में 315 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष रूप से अत्यंत कल्याणकारी कार्यों को किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लगभग 25,000, सामान्य जाति के लगभग 8,000 निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु 66,31,00,000 रुपये का अनुदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। गत वर्ष 9,40,000 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 38,000 नए लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। सरकार द्वारा विधवा पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की तुलना में लगभग 2,63,000 अधिक लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 38,69,000 पात्र वृद्धजनों की वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा चुका है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के माध्यम से 94 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना को इन शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ कि सभी का साथ ना होता हमारा धर्म, सभी का साथ ना होता हमारा धर्म तो फिर हम एक दरिया से छोटी सी झील बन जाते। हमारा विश्वास है दरिया की तरह बहकर। पर्यटन, प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तर पर लाए जाने के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन पर विशेष बल दिया जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव का दिव्य आयोजन कर गिनीज बुक में स्थान दर्ज कराया गया। गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास, रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था, आगरा मथुरा क्षेत्र में विशिष्ट पर्यटन विकास, विश्व बैंक के सहयोग से प्रो पुअर पर्यटन योजना संचालित है। इसमें 70% व्यय विश्व बैंक द्वारा वहन किया गया है।
जनपद सीतापुर में नैमिष स्थित मंदिरों के पर्यटन विकास कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,17,00,000 रुपये व्यय किया जा रहा है। वाराणसी में संस्कृत केंद्र, फिल्म सिटी, प्रवासी भारतीयों के निर्माण आदि हेतु 2018-19 में अब तक लगभग 150 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। मथुरा में प्राचीन काल में 50 ऐतिहासिक जलकुंडों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बरसाना में होली का भव्य आयोजन किया गया। गढ़मुक्तेश्वर में सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2,205 चिकित्सकों की तैनाती के आदेश निर्गत किए गए हैं तथा 4,031 नर्सों के रिक्त पदों को भरे जाने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश में पहली बार 100 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस क्रियाशील की जाएंगी। प्रदेश में 2,329 उप केंद्रों एवं 750 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में सुदृढ़ किया गया है। प्रदेश में सस्ते दर की गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराने हेतु राजकीय चिकित्सालयों में प्रथम चरण के अंतर्गत 100 जन औषधि केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 5 जिला चिकित्सालयों का राजकीय मॉडल कॉलेज के रूप में उच्चीकरण तथा 8 राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई प्रगति पर है। प्रदेश में उच्च कोटि की शिक्षा, चिकित्सा एवं गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतर्गत 1,18,00,000 परिवारों के लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए की धनराशि की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से दी जा रही है। मैं आपकी जानकारी कहना चाहता हूं कि लगभग 10,10,000 ऐसे पात्र लाभार्थी जो किसी कारण से आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की सुविधा से वंचित रह गए उनको भी इसी योजना की भांति लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित किया जाएगा और जिसके लिए हमने 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित की है। परिवहन, प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में वाहन 4 एवं सारथी 4 सॉफ्टवेयर लागू होने से लोगों को ऑनलाइन आवेदन फीस भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। बस सेवा से वांछित प्रदेश के 14,561 असेवित गांवों को बस सेवा से जोड़ा गया है। प्रदेश के सभी संभागों में ऑनलाइन परमिट की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश में दूसरा राज्य बना है। प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बीच बस संचालन हेतु परिवहन समझौता किया गया है। अयोध्या से नेपाल स्थित जनकपुर के मध्य बस सेवा का भी शुभारंभ इसी वर्ष किया गया है। अन्य विकासात्मक कार्य, औद्योगिक विकास की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 4,73,000 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु नया सवेरा योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत 18,376 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा गया। श्रमिकों के समग्र विकास के लिए अब तक 44,78,000 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया। कार्यस्थल पर श्रमिकों की मृत्यु की दशा में 5,00,000 रुपये, स्थायी विकलांगता पर 3,00,000 रुपये, आंशिक विकलांगता पर 2,00,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अब तक 867 रोजगार मेलों का आयोजन कर 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 4,87,00,000 खाते खोले गए जिसके सापेक्ष 3,85,00,000 खातों हेतु रुपए डेबिट करने का कार्ड निर्गत किया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 1,18,00,000 लाभार्थियों को 51,650 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए। उत्तर प्रदेश दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा रियो ओलंपिक गेम्स में पदक विजेता पीवी सिंधु, साक्षी मलिक तथा दीपा कर्माकर को 1,1,00,000 रुपए की राशि भी प्रदान की गई। 14 विशिष्ट खिलाड़ी रानी लक्ष्मीबाई तथा लक्ष्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। वर्ष 2018-19 में वर्तमान में कार्यरत 6,587 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 3,31,000 किलोग्राम दूध का उपार्जन कर प्रतिदिन 1,80,000 लीटर नगर क्षेत्र में दूध विक्रय किया जा रहा है। व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं को चिन्हित करते हुए
उनके निराकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा संबंधी योजनाओं को लागू कराने, विभिन्न विभागों द्वारा लागू कानूनों नियमों को समय समय पर परीक्षण करने, परामर्श देने एवं सरलीकरण करने तथा व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने हेतु उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के गठन की घोषणा से व्यापारियों को उनसे सीधे जुड़कर अपनी समस्याएं रखकर समाधान पाने का भी एक अलग से मंच और प्राप्त किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशिष्ट प्राकृतिक संरचना, जल संसाधन का अभाव, कम उत्पादकता, अपर्याप्त अवस्थापना, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं तथा निरंतर प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा आदि मुख्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड का भी गठन किया। पूर्वांचल क्षेत्र के समग्र विकास हेतु निर्देश दिए जाने, सामाजिक आर्थिक विकास के अवरोधक तत्वों और कारणों को चिन्हित कर उनका निराकरण, प्राथमिकताओं को तय करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समग्र कार्य योजना बनाने आदि के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड का भी गठन। राज्य सरकार द्वारा हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश के कई शहर चयनित हुए, कुशीनगर में एयरपोर्ट शीघ्र